हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्राची विद अमित। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितने भी आपने ब्लॉग मेरे देखे थे उसमें प्लास्टिक के बारे में था, बिजनेस डेवलपमेंट्स के बारे में था, कैसे स्ट्रगल करते हैं, अलग अलग सेक्टर के बारे में हमने देखा था, ऑटोमोबाइल के बारे में, इलेक्ट्रिकल के बारे में, टॉयज के बारे में, इन सब के फील्ड के बारे में देखा था। बट ये जो एग्जीबिशन होने वाला है बहुत ही डिफरेंट सेक्टर का है, जो प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट है। जी हाँ, आपने सही सुना, प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट है। वो कैसे है? आपकी और मेरी इतनी अच्छी आदतों से प्लास्टिक ओवर कंजेशन हम करते गए दिन पे दिन, जिससे प्लास्टिक का जो रिसाइकल रेट है काफ़ी कम रिड्यूस हो चुका है, और जो प्रोडक्शन था काफ़ी हाई डिमांड बढ़ चुका था, जिससे साइकिल जो था इम्बैलेंस हो चुका था। इन सब के कारण जिनसे प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा था, पॉल्यूशन जनरेट हो रहा था, बीमारी जनरेट हो रही थी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ जो हम वियर भी नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट भी लॉस और एनिमल लॉस सब हो रहा था। इन सब चीज़ों के कारण अब लोगों ने क्या किया, उसका रिप्लेसमेंट ढूंढा, बायो प्लास्टिक और बायो बेस्ड प्लास्टिक को रिप्लेसमेंट किया है। ये बायो प्लास्टिक बायो बेस्ड प्लास्टिक होती क्या है, इसके बारे में कैसे स्टॉल किया गया है, स्टॉल ज़्यादा बड़ा नहीं है बट फर्स्ट इनोवेशन किया हुआ है, तो इसको कैसे फॉरवर्ड स्टेप पे ले जाया जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चीज़ें हैं, और उसको किससे रिप्लेसमेंट किया हुआ है, क्या सच्ची में बायो प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट हो सकता है या नहीं, आइए चलो जानते हैं। फाइनली हम एंट्री कर चुके हैं। अब करने के वाले एज यूजुअल हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते थे, अपने यहाँ के कार्ड लेते थे और एंट्री पास बनाते थे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पर हमें अभी मैनुअली फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद अब उससे हम आई कार्ड लेंगे, क्या क्या प्रोसीजर था, सेम वैसी प्रोसेस है, और अंदर जाके आपको सारा ब्रीफ करते हैं। फाइनली हमें एंट्री पास मिल चुका है। प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट के बारे में जानेंगे कि जो आप सिंगल यूज प्लास्टिक, पैकेजिंग प्लास्टिक के बारे में आप यूज़ करते थे, सिंगल यूज प्लास्टिक, पैकेजिंग प्लास्टिक हो गया कैरी बैग के लिए, सब्जी लेते समय या कोई भी पैकेजिंग प्रोडक्ट खरीदते थे, उनको कैसे बायो प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में रिप्लेस किया हुआ है। बेसिकली बायो प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक दोनों अलग सेक्टर हैं, दोनों को डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे मार्केट को स्टेबलाइज किया जा रहा है, क्या क्या आगे फ्यूचर है इसका या नहीं है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। फाइनली प्लास्टिक से रिप्लेसमेंट बायो प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या होती हैं वो आज आपको ब्रीफ करते हैं, और डिफरेंस क्या होता है, क्या मेजर सेक्शंस होते हैं, कहाँ से सोर्स होती हैं, वो सबका आपको ब्रीफ करते हैं। आइए चलो मिलते हैं। हम लोग यहाँ एग्जीबिशन शोज में आए हुए हैं, हम लोग रेस्ट हमने प्लास्टिक के बारे में जाना था कि प्लास्टिक क्या, जो अब जो इनोवेशन हो रहा है प्लास्टिक को रिप्लेसमेंट के लिए, तो बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक के रिप्लेसमेंट के लिए हो रहा है। ओके, तो बेसिकली क्या रॉ मटेरियल थोड़ा आप बताएंगे जरा। सो वी हैविंग द फोर रॉ मटेरियल्स। ओके, पीपेट, पीबीएस, पीबीएसए, पीबीएसटी, फोर डिफरेंट एप्लीकेशंस फॉर रिप्लेसिंग द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। ओके, सो द प्रोडक्ट्स आर कैरी बैग्स, लाइक यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट्स मेनली यूजिंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ द लाइक what we can say, it's easily available in the market, and it's like replacing the plastic garbage bags, carry bags, and paper cups, and all those things. So this is the application wise different four grades are there. It's decomposed in 180 days in the soil. So there is a तो बेसिकली प्लास्टिक को पैकेजिंग को रिप्लेसमेंट करने के लिए हम पीवीसी और पॉलीप्रोपिलीन ये सब पैकेजिंग के लिए यूज़ करते थे, बट जो रिप्लेसमेंट है इनका जो सिंगल यूज प्लास्टिक का होता था वो हमारा था बेसिकली पीबीएस, पीबैट और हमारे पीबीएसटी, ये सारे रिप्लेसमेंट्स होते हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक के होते हैं। ये विद ना 180 डेज के अंदर ये डिग्रेड हो जाते हैं इन एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण। तो बेसिकली ये बायोडिग्रेडेबल इज बायो बेस्ड प्लास्टिक, बायो बेस्ड प्लास्टिक है बेसिकली, तो इनसे यूज करने से कोई हार्मफुल नहीं होता, एक नॉर्मल ये बायोमास में ये कन्वर्ट दोनों में अवेलेबल है, फूड ग्रेड एंड इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल के एज वेल फूड ग्रेड में। तो इन्हें हम कटलरी के लिए यूज कर सकते हैं, पैकेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट सेक्टर में भी हम लोग यूज करते हैं ओवर लॉन्ग टर्म। तो बेसिकली आपको मैं रॉ मटेरियल में दिखा देता हूँ आपको, दिस इज अ पीबैट, ये पीबैट है जो कम्प्लीटली स्टार से मिलकर बनते हैं, सारी चीज स्टार बेस्ड सब ये चीजें होती है। तो इनसे ऑलमोस्ट हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, ऐसा प्रोसेस है सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज, मतलब ये जो बोलते हैं वो इससे बनता है। ओके ओके ओके, तो जो भी कैरी बैग्स आप देखते हो मार्केट में वो सब इससे मतलब प्लास्टिक बैग रिप्लेस होते हैं, ये चीज होती है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। बेसिकली दिस इज कॉल्ड यू पी बैग,
ये हम पैकेजिंग पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप देखोगे तो ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। इट इज़ नॉट बायो प्लास्टिक बट इज़ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। आप देखो तो प्लास्टिक की रॉ मटेरियल की शेप में ये सारी चीज़ें, और इससे ये फाइन प्रोडक्ट मिलकर बनकर मिलता है। ऐसे बनाए तो अगर आप देखने में तो ये प्लास्टिक लग रहा है, मानी पॉलीथीन लग रही है, बट ये इजेंटली पॉलीथीन नहीं है। डिस इज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण अपने आप ये डिग्रेड हो जाएगी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। विद रिस्पेक्ट अगर आप इसे देखते हैं तो आप ये सिंगल यूज प्लास्टिक के बनते थे और ये हमारे एनवायरनमेंट में ओवर 200 साल 300 साल तक एग्जिस्ट करते थे, बट बायोडिग्रेड प्लास्टिक और बायो प्लास्टिक से हम इसे एक बार यूज़ करके सिंगल यूज़ कर विद रिस्पेक्ट टू टाइम 180 डेज में 100-200 डेज में ये डिग्रेड हो जाती है एटमोसफेयर। तो इनसे ना ही तो कोई इन्वायरमेंटल डिसएडवांटेज होता, ये कम्प्लीटली बायोमास में कन्वर्ट होती है, खाद जिसे हम कहते हैं मैन्योर जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग कहें, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए हमारे सॉइल के लिए एनरिच करती है उनकी फर्टिलिटी को। तो ये सब चीज़ें हैं जो एनवायरमेंट को बचा रही हैं। ये सारी चीज़ें भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद होती हैं। अगर ऐसा इसको भी अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम या सिस्टमेटिकली इसे यूज़ नहीं किया तो ये भी एनवायरमेंट के हार्मफुल हो चुके हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बेसिकली कम्प्लीटली बायो बेस्ड प्लास्टिक नहीं होती हैं, उनके अंदर एडिटिव डाले जाते हैं तो एक पीरियड के टाइम वो डिग्रेड अल्टीमेटली होने लगते हैं, जिन्हें हम माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू डिग्रेड कर सकते हैं या फिर एनवायरमेंट इफेक्ट कर रहे हैं, इन्हें रिसाइकल या रिड्यूस भी कर सकते हैं। बेसिकली आप बायो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में डिफरेंस जान लीजिए होता क्या होगा। बायो प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बनती है, जैसे कि आपका स्टार्च का बनना, सेलुलोज का बनना, ये हमारे एनिमल स्टार्च, प्लांट स्टार्च, सेलुलोज प्लांट से निकलते हैं, एनिमल से निकलते हैं, इन सब चीज़ों से निकल मिलते हैं, जिन्हें हम बायो बेस्ड प्लास्टिक बोलते हैं, बायो प्लास्टिक्स बोलते हैं, जो विद रिस्पेक्ट के टाइम एनवायरनमेंट के साथ एक स्पेसिफिक हीट और मॉइस्चर के बाद अपने खुद पे खुद डिग्रेड हो जाती है। सेकंड वाली चीज़ आती है हमारी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हमारी बेसिकली फॉसिल फ्यूल से मिलकर भी बनती है, जो आधी फॉसिल फ्यूल से मिलकर बनती है, जो क्रूड ऑयल होता है, रेस्ट उसके अंदर ऐसे एडिटिव डाले जाते हैं उसके अंदर जो डिग्रेड हो जाती है उस टाइम के बाद। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का अगर स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं मिलता तो वो भी डिग्रेड नहीं होगी, वो भी 200 साल 300 साल तक रहेगी। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बनाने के लिए हम फॉसिल फ्यूल के अंदर कुछ ऐसे एडिटिव डालते हैं या फिर उसके कुछ परसेंटेज आधे कार्बन तो उसके फॉसिल फ्यूल के होते हैं और आधे कार्बन जो होते हैं हमारे केमिकल बेस्ड और हमारे बायो बेस्ड होते हैं, जो एक टाइम पीरियड के साथ माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू से डिग्रेड किया जा सकता है या फिर एटमोसफेयर इफेक्ट कर। तो बेसिकली ये दो मेन डिफरेंस है बायो प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में, बहुत जाना जरूरी है। फिर थर्ड वन हमारा आता है कन्वेंशनल प्लास्टिक, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते जा रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट अभी आपने अराउंड देख रहे हो वो सारी कन्वेंशनल प्लास्टिक्स होती है, जिन्हें हम इंजीनियरिंग पॉलीमर, कमोडिटी पॉलीमर ये सब भी बोलते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि और कहाँ का इनोवेशन हो सकता है, क्या सच्ची में रिप्लेसमेंट हो सकता है, इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। कितना कॉस्टिंग होता है इसका, कॉस्टिंग का क्या मतलब है कि जो रेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो बेसिक पर्पज़ के लिए पैकेजिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, वो प्लास्टिक के रेफरेंस में अगर कंपैरिजन करते हैं तो हमारी ये बायो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक महंगी होती हैं, क्योंकि इनका जो प्रोसीजर है बहुत हार्ड है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होता है, जो बहुत टाइम ले लेता है इसे बनाने में। इसकी वजह से अप्रोक्स एज रिस्पेक्ट टू अदर्स की वजह से ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्लास्टिक्स होती है, बट फ्यूचर यही है अब इंडिया का, क्योंकि हम उस कंडीशन पे जा चुके हैं कि हम रिसाइकल नहीं कर सकते, बट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बायो प्लास्टिक के थ्रू हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। चलो आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि जो पॉलीबैग जो सिंगल टाइम आप सब्जी लेने के लिए यूज़ करते थे, उस पॉलीबैग की जगह हमने पी बैट और इन सब प्लास्टिक से रिप्लेस किया हुआ है जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स होती हैं। प्रोसीजर क्या उसको मैं बताता हूँ, क्या मशीनरी है, कैसे होता है। बेसिकली दिस इज हॉपर, यहाँ पे हम रॉ मटेरियल डालते हैं जो प्लास्टिक जैसा दिखता था अभी मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद इस मशीन पे जाके ऐसे फिल्म बनता है। फिल्म बनने के बाद कुछ इस तरह की लेयर बनती है, इस लेयर के बनने के बाद कुछ इस तरह जाती है, इसमें कटिंग होती है, कटिंग में हर एक मैनुअली जाती है धीरे धीरे, सारा कुछ प्रोसेस ये ऐसे करके फाइन पाउडर करना ये निकल जाता है ये सारा। ये दिख तो पनीर है प्लास्टिक बट है नहीं है एक्चुअली, ये इसमें लिखा भी हुआ है आई एम नॉट अ प्लास्टिक मैन। तो ये बेसिकली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बना हुआ है, कुछ एक दो हफ्ते में या फिर 180-120 दिन के अंदर ये खत्म हो जाएगा। प्लास्टिक्स में अकॉर्डिंग टू डिज़ायर हम कलरफुल प्लास्टिक्स देखते थे, उसके अंदर कलर ऐड करते थे, मास्टर बैच ऐड करते थे, वैसे ही हम सेम ऐसे ही प्लास्टिक के साथ करते थे वैसे ही हम इसके साथ भी करेंगे। बेसिकली आप देखो तो ये ब्लैक कलर में है, ये ऑफ वाइट में है, ये येलो में है और ये ब्लू में है। ये देखो अगर आपको मैं अगर डिफरेंस दिखाऊँ
अगर मैं प्लास्टिक के ग्रेनुल भी रखते तब भी आपको पता नहीं चलता, क्योंकि प्लास्टिक के भी ऐसे ही आते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी ऐसे ही आते हैं, बट इस नोडा प्लास्टिक इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, तो इनको हमने प्लास्टिक की फॉर्म में हमने किया हुआ है। बेसिकली बहुत डिफरेंट है, आप देख सकते हो सब चीज़ों के बारे में। कलर उनके साथ हम इसके अंदर मास्टर बैचेस हम अकॉर्डिंग टू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के साथ ये मास्टर बैचेस के रेफरेंस में बनाते हैं। जो पी बैड मास्टर बैच होता है, पी एल ए मास्टर बैच होता है, पी बी एस मास्टर बैच प्लास्टिक्स होते हैं, जो इनके अंदर कलर को ऐड करते हैं इन सब प्लास्टिक के अंदर, वैसे ही हम बायो बेस के अंदर, बायोडिग्रेडेबल बेस के अंदर हम उनके बेस के अकॉर्डिंग कलर्स इनके अंदर ऐड करते हैं हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग। कंसेप्ट क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ। पॉलीथीन अब यूज़ कर रहे थे, ठीक है, और पॉली बैग यूज़ कर रहे थे, सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम जिन्हें बना रहे थे, और भी बहुत सारी सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं, उनका पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा था, रिसाइकिल नहीं हो पा रही थी, हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे, हम लोग अपनी आदतें भी नहीं बदल रहे थे, मेन चीज़ ये था। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और बायो प्लास्टिक क्या थी, बेसिकली हमारी इनको रिप्लेसमेंट के बारे में था कि हम कुछ रिप्लेसमेंट कर देंगे और पॉली बैग कैरी बैग्स को हम बायो प्लास्टिक्स में और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में कर देंगे, जिससे एनवायरनमेंट बचाएंगे, बट ये प्लास्टिक एक्सपेंसिव होती हैं। मेन मोटिव ये था कि अगर उनको हम सही तरह से यूज़ करते हैं, जनरेट नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ अभी जो बायो प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से हमारी कटलरी प्रोडक्ट और इन सब प्रोडक्ट में अभी ही सक्सेसफुल हो पाई हैं, जो नॉर्मल जैसे सब्जी परोसने के लिए, सूप पीने के लिए, पानी पीने के लिए इन सब में यूज़ कर पाए हैं, या फिर पत्तल वगैरह रखने के लिए। बट फॉर द मल्टीपल एप्लीकेशन जैसे आपके फ़ोन के चार्जर, रिमोट्स वगैरह और भी अदर चीज़ होगी, इन सब में नहीं होता। तो अभी एक बेसिक इनिशिएशन स्टेप लिया हुआ है, अगर हम ओवर लॉन्ग पीरियड के टाइम इसे भी मेंटेन नहीं कर पाते तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं, कंसेप्ट यही था इसको स्टॉल करने का कि आपको नॉलेज को अवेयर कर सके कि जो प्रोडक्ट आप पेड़ रहे में यूज़ कर रहे हो उसको कहाँ का एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ रहा है, जिन्हें हमें पता ही नहीं है। देखिए प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं तो प्लास्टिक भी जनरेट हो गई होगा, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बट उसे कंट्रोल कैसे कर सकते वो हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि देखो जो चीज़ बनी है उसे यूज़ तो करेंगे, पेट है तो भूख लगेगी, ठीक है, शरीर है तो दर्द हो गई, बट उसको हम मेंटेन करते हैं। तो वैसे सिमिलर है कि कुछ ना कुछ हमें सॉल्यूशंस निकालने की करना क्या क्या है। तो अब ये जानते हैं कि अब इनोवेशन कहाँ होने वाले, कि हमारी हैबिट को क्या क्या बदलना है, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं ब्रीफली। और भी चीज़ें हैं कि क्या क्या इनोवेशन हो सकते हैं। अभी जो मैंने देखा कुछ लोग बैम्बो बेस्ड प्लास्टिक्स भी बना रहे हैं, जो कम्प्लीटली बैम्बो बेस्ड ऑर्गेनिक है, प्लास्टिक के रूप में से ट्रांसफॉर्म किया हुआ, जो प्लास्टिक जैसे लिखेगी लेकिन वो प्लास्टिक है ही नहीं है, वो पूरा बैम्बो बेस्ड है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपको सब ब्रीफ करते हैं, और ऐसे इनोवेशन हो रहे हैं जो ये ऑल वो जितने भी डिग्रेडेशन है वो मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए है, फॉर द कटलरी प्रोडक्ट और किचन वेयर के लिए, अभी ऑलमोस्ट अब कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। अभी अब चलते हैं कि कैसे प्लास्टिक को कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट किया हुआ है। एक रिप्लेसमेंट था बायो प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के बारे में, बट अभी आपने सोचा है कि वुड की कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो रिप्लेसमेंट कर सकती है, आइए आपको मिलवाते हैं। हेलो सर। तो बेसिकली आप भी एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, तो बेसिकली क्या थोड़ा प्रोडक्ट है, क्या है थोड़ा ब्रीफ करेंगे आप प्लीज़। एक्चुअली हम लोग वुड से ग्रैनुल्स बनाते हैं, जो आपका प्लास्टिक का ग्रैनुल्स आता है उसको रिप्लेस करते हैं। ओके। जैसे ये हमने बैम्बू से कट करके उसको ग्रैनुल्स बनाया, ये ग्रैनुल्स की फॉर्म है। इसको ग्रैनुल्स बनाने के बाद इसको सीधा मोल्डिंग, किसी भी मोल्डिंग मशीन में डालोगे अब मोल्ड कर देगा, और लाइक दिस प्रोडक्ट, ये इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बना सकता हूँ मैं? हाँ, आप इसको नॉर्मली घर में यूज़ कीजिए, कहीं भी कितने इको फ्रेंडली मटेरियल से, बॉडी के लिए कोई हार्मफुल नहीं है और एनवायरनमेंट के लिए भी नहीं है, कोई एनवायरनमेंट के लिए, और आराम से इसको आप 10 ईयर 15 ईयर यूज़ कीजिए। अगर इसको थ्रो कर दोगे तो विद क्ले में ये बायोडिग्रेड हो जाएगा, अपने आप ही डिग्रेड हो जाएगा, और आपका पॉलीथिन से तो बेस्ट है। तो बेसिकली नेचर से हम लोग प्लास्टिक बना रहे हैं, नेचर में ही बायोडिग्रेड। तो बेसिकली स्नोडा प्लास्टिक, पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो बांस और बैम्बो होते हैं ना, जो ग्रीन कलर के दिखते हैं, जिनके अंदर पानी स्टोर हो जाता है, उनको ये लोग सुखाकर उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाई केमिकल व प्रोसीजर के थ्रू, जो कम्प्लीटली बायो बेस्ड होता है, कोई भी एक्स्ट्रा एडिटिव नहीं होता। उससे हम क्या करते हैं, इससे कुछ में ये कॉफ़ी बेस्ड है, ये कॉफ़ी बेस्ड, ये कॉफ़ी बेस्ड, जो हम कॉफ़ी जो आप पीते और वही सब कॉफ़ी बेस्ड से बनाया हुआ है, वैसे ही सेम हम उससे प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके अंदर मैं गर्म पानी, गर्म दूध, कॉफ़ी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और उस गर्म दूध से कोई डिग्रेड भी नहीं होगा। अभी तो देखा, अगर आप गर्म पानी रख रहे हो, गर्म दूध रख रहे हो, तो यही हम सब नॉर्मली लिक्विड बेस में रखते हैं, सूप रखोगे तो ये डिग्रेड नहीं होता, और एनवायरनमेंट में सनलाइट इफेक्ट और एटमोसफेयर मॉइस्चर कर रही है, बट क्लीन में जाएगा। अच्छा अच्छा, इसमें हमने ये कैरी बैग बनाया है, ये कैरी बैग का है, ये रॉ मटेरियल है, ये भी बैम्बू से बना हुआ है। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली बैम्बू से बना हुआ है, जो कि लकड़ी होती है जिसे पता ही है, बट आप देख सकते हैं इसके अंदर ये उसका ऐसा बिहेव प्रिटेंड कर रही है, प्लास्टिक इलास्टिसिटी इसके अंदर दिख रहा है ड्यू टू स्टार्च। हम इसके अंदर स्टार्च मिलाते हैं, जो एनिमल स्टार्च, प्लांट स्टार्च,
सेलोज वगैरह सब जो होती हैं जो इन सब के अंदर ऐड करके इन्हें कुछ इस तरह के प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं और ये एज अ पॉलीथिन की तरह बिहेव करती है। आप इसको एज ए रैपिंग, एज ए कैरी बैग, एज ए गार्बेज बैग यूज कर सकते हो, एज ए आजकल पैकेजिंग में भी यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन। तो देखिए सूप वाला जो स्पून है ये भी देखें, ये है नॉर्मल चीज़ें, ये देखो ये आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक रिप्लेसमेंट होगा। बेसिकली हम लोग रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आप कोई भी हमसे रॉ मटेरियल लेके कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो, और इंजेक्शन मोल्डिंग, फ्लो मोल्डिंग एंड एक्सफ्यूजन रेट। आप बहुत अच्छा इनिशिएशन आपने लिया, बहुत अच्छा, थैंक यू। बायो प्लास्टिक से और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या बन रहा था? बेसिकली PLA जो आप कम्प्लीटली बायो बेस्ड प्लास्टिक्स होती है जो नॉर्मल नहीं मिलती, वो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, स्ट्रेसेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, सबसे मिलकर बनती है। प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं, वो उसका क्या रिप्लेसमेंट है, कौन सी प्लास्टिक को रिप्लेसमेंट क्या हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। आइए सर। हेलो सर। हेलो। तो बेसिकली आप ये प्लास्टिक है? हाँ नहीं, ये प्लास्टिक नहीं है, ये कंपोस्टेबल प्लास्टिक है, मेड ऑफ कॉर्न स्टार्च, PLA से मिलकर बना हुआ है। यस यस, PLA से ही बना हुआ है ये प्लास्टिक, 100% प्लास्टिक। मतलब ये प्लास्टिक आपने सिर्फ फॉर्म किया, प्लास्टिक नहीं है? नहीं, ये लुक लाइक अ प्लास्टिक, एक्ट लाइक अ प्लास्टिक, बट नॉट अ प्लास्टिक, नॉट अ प्लास्टिक। तो मैं इसको एक बार यूज़ करके फेंक सकता हूँ? हाँ, आप इसे यूज करिए, यूज करके आप इसे फेंक दीजिए, 180 डेज, 180 डेज बाद ये मिट्टी बन जाएगी, मिट्टी बन, ये बायोडिग्रेड हो जाएगी विद एटमॉस्फेरिक इफेक्ट पड़ने का। यस 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 यस, तो कोई हार्मफुल नहीं होता? नहीं, कोई हार्मफुल नहीं। इवन तो इसमें हमने हमारा फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट भी हमने ले रखा है इस स्टोर का, कि कोई भी जैसे कोई भी कार्बन प्रिंट, जैसे फूड सेफ्टी का मतलब है कि आपने यूज किया, मतलब यूज करने के बाद कोई भी कार्बन प्रिंट नहीं है, 100% फ्री है, फ्री है। ये देखो ये स्ट्रॉ आपने फ्रूटी में देखी होंगी, ये सारी सारी कंपोस्टेबल, ये कंपोस्टेबल PLA से बना हुआ प्लास्टिक के नहीं है, कॉर्न स्टार्च से मिलकर बना हुआ है, तो कोई एनवायरमेंटल हार्मफुल नहीं है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको क्या लगता है जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं, फ्रूटी हो गया, माजा हो गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बेवरेज हो, तो क्या इनको यूज़ कर रहे हैं आप? एक्चुअली जब शुरू हुए, जब प्लास्टिक बैन किया था गवर्नमेंट ने, तो उस टाइम पे जो बड़े ब्रांड्स थे उन्होंने इसका ऑल्टरनेट निकाला पेपर स्ट्रॉ, बट पेपर स्ट्रॉ आपने देखा होगा, आप पेपर स्ट्रॉ जब टेट्रा पैक में डालेंगे तो नीचे से ब्लॉक हो जाता है, इवन वो उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा पेपरी सा आता है, बट उसका हमने ऑल्टरनेट निकाला है कंपोस्टेबल स्ट्रॉ, ये बिल्कुल ऑल्टरनेट है, इसमें ना तो एक नीचे से ब्लॉक होता है ना कुछ, ये 180 डेज बाद अपना खुद ही डिग्रेड होता है। इसमें अगर आप सेल्फ लाइफ देखी जाए, सेल्फ लाइफ अराउंड इसका 18 मंथ्स है, अगर आप 18 मंथ प्लेट्स है, ये PLA से मिलकर बना हुआ है, जो कम्प्लीटली हम इसे स्टायरोफोम प्लास्टिक जो पत्तल जिसे हम कहते थे, जो सिंगल टाइम होती थी, वो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो पाती थी, द वन ऑफ द मोस्ट हमारा डिसएडवांटेज था उस प्लास्टिक को यूज़ करने का, और हम मॉल में भंडारे, लंगर या सोशल एक्टिविटीज़ में हम लोग यूज़ करते थे, बट उसको हम रिप्लेसमेंट किया हमने PLA से, जो कम्प्लीटली स्टार्च बेस्ड है, इसको एक बार यूज़ करो, कहीं भी फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है, एटमोस्फेयर इफेक्ट पड़ेगा, अपने आप ही डिग्रेड हो जाएगी और वो हमारी बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे हम खाद या मट्टी बोलते हैं, yes, वो कन्वर्ट हो जाएगी, yes। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को बचाता है, उसे हम वाइट पॉल्यूशन भी बोलते थे, क्योंकि वो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक स्प्लिट्स होती थी, स्टायरीन से मिलकर बनती थी, हम उसे कंज्यूम करते तो उसके अंदर जो टॉक्सिक गैस स्टायरीन गैस इफेक्ट होती थी वो हम उसे कंज्यूम करके हमारी बॉडी में स्टोर होती थी, जिससे इनफर्टिलिटी की बीमारी और डायबिटीज़ की बीमारी और हमारी BP की बीमारी को इंक्रीज़ कर रही थी, बट PLA से यूज़ करने से हम इसको कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट किया हुआ है। अगर आप वही प्लास्टिक को ढंग से यूज़ कर लेते ना, तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता, ये भी उन सबसे महंगी है, द डिसएडवांटेज ये कि उन सब रेस्ट प्लास्टिक करंटली अभी ये महंगी है, इन द फ्यूचर माइट भी देखिए आपकी। एक्चुअली हम प्लास्टिक्स में क्या करते थे, उनके यदि प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए या मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए उसके अंदर हम एडिटिव्स को हम ऐड कर रहे थे, कंपाउंड्स करते जिन्हें हम बोलते हैं, वैसे ही सेम हम बायोप्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में ऐसे हम लोग कर सकते हैं, वैसे हम लोग कर भी रहे हैं, आइए मैं आपको मिलाता हूँ जो इस इनोवेशन पर फोटोशॉप कर चुके हैं। हेलो सर। तो बेसिकली आप बायो प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को फॉर्म कर रहे हैं, तो आप लोग मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए आप लोग दे रहे हैं, ऐसा थोड़ा ब्रीफ करेंगे क्या क्या आपका एप्लीकेशन? तो हमारा कंपनी का नाम है इकोलास्टिक है, इकोलास्टिक है, वो हैदराबाद बेस्ड का कंपनी है, हैदराबाद। ये जो भी आपका प्रोडक्ट देख रहे हैं, शायद वो कैरी बैग्स हो, गार्बेज बैग्स हो, गार्मेंट बैग्स हो, उसका फूड और फूड पाउचेस या वेजिटेबल बैग्स हो या बायोहजार्ड बैग्स, वो भी जो कवर्स बना दे रहे थे, उनका कवर चाहिए। हम लोग बचपन में PVC का करते थे, ये प्लास्टिक का बिना अभी बुक का ये भी कवर बना सकते हैं, ये बायो प्लास्टिक बायो प्लास्टिक 100% कंपोस्टेबल प्लास्टिक, 100% ये सारे जितने भी प्रोडक्ट है हम खुद बनाते हैं, उसका कंपाउंड भी हम ही करते हैं, कंपाउंड करते हो, हमारा खुद का रिसर्च फैसिलिटी है। ओके, तो
हमारा जो फार्मुलेशन बनाते हैं प्रोप्रेटरी फार्मुलेशन, उनसे ये सारे जो प्रोडक्ट्स आप देखते हैं सारे बन रहे हैं। तो बेसिकली आप कंपाउंड्स करके और इनकी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। अगर कुछ चीज़ ऐसा है, कुछ लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, कुछ चीज़ ऐसा है कि फास्ट डिग्रेडेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कैरी बैग का ओके, इसका एप्लीकेशन उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उसका जो शेल्फ लाइफ है काफ़ी लिमिटेड है। एक बार कैरी बैग का यूज़ हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, लेकिन उसके बाद कोई उसका इस्तेमाल भी नहीं करता, तो उसका जो शेल्फ लाइफ होना चाहिए बहुत कम होना है, मतलब नेचर में काफ़ी जल्दी चला जाना चाहिए। ओके, लेकिन इस तरह का जो प्रोडक्ट है जो बुक्स में लगाते हैं कम से कम एक साल तो रहना चाहिए, उसका जो एकेडमिक ईयर है उसके हिसाब से होना चाहिए। सो ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, मतलब बायो हजार्ड बैग से जो हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो दो रॉ मटेरियल आप इसमें यूज़ करें वही आप इसमें यूज़ अलग अलग कंपाउंड्स कंपाउंड्स क्या हुआ एग्जैक्टली अलग अलग एप्लीकेशन के अलग अलग कंपाउंड्स। देखिए सबसे बेस एग्जांपल है कि आप ये जो पॉली बैग हम यूज़ कर रहे थे उसका रिप्लेसमेंट क्या हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद रेस्टोरेंट में जो अब ये हॉस्पिटल में आप जाते तो सिरिंजेस, मास्क, ग्लव्स, बहुत कॉटन, बहुत सारा वेस्ट निकलता है, और येलो कलर की पैकेजिंग के साथ उसको निकाला जाता था और स्पेसिफिकली लिखा जाता था कि इससे टॉक्सिक केमिकल हो सकते हैं। बट सर ने इनोवेट किया हुआ है कि इसको हम कंपाउंड्स करके वही बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बायो रॉ मटेरियल्स को कंपाउंड करके उसे नॉन हजार्डियस प्रोडक्ट बनाया, जो पैकेजिंग पर्पस पे अपने मेडिकल हॉस्पिटल लाइन में हम यूज कर सकते हैं। करेक्ट, ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं अगर आपका कोई भी क्लॉथ के दुकान पे चले जाएगा तो अगर आपका शर्ट शर्ट होता है वो सारे प्लास्टिक में, अगर एक बार खरीद लिया आपने देन आपको तुरंत डिस्कार्ड करना पड़ता है, तो ये सारे प्लास्टिक नेचर में चला जाता है। ये जो प्लास्टिक है ये 100% अगेंस्ट कंपोस्ट होता है, अगर एक बार यूज़ हो गया और नेचर में भी चला गया ये 100% बेसिकली आप एनवायरमेंट को बचा रहे हैं। बहुत अच्छा इनोवेशन आप लोग कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, और इन फ्यूचर आई थिंक आपको क्या लगता है कि क्या डिमांड रहेगा बायो प्लास्टिक बैंड प्लास्टिक? अभी ये मार्केट तो काफ़ी छोटा है लेकिन बढ़ने वाला मार्केट है और भी बढ़ेगा, जैसे जैसे प्लास्टिक के खिलाफ जो अवेयरनेस बढ़ते जाएगा पब्लिक में और गवर्नमेंट का जो एनफोर्समेंट बढ़ते जाएगा फ्यूचर तो यही होगा। तो बेसिकली विद इन फाइव ईयर्स के अंदर बहुत इनोवेशन हम कर चुके होंगे और बहुत अच्छे लेवल पर कर रहे हैं, जिससे थैंक यू। बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के हम लोग कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? सबसे पहले तो हम उन लोगों को बचा रहे हैं जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थे इन सब चीज़ों का, जैसे कि आपके कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, ऊंट, ये सारे लोग भूख लगती है जो गलियों सड़कों में चलते हैं खासकर इंडिया में, वो खाते हैं तो उनके पेट में जाती है और आए दिन डेड हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं उनकी, और ये सारा वेस्ट हमारा सीज में जाता है, सी बॉडी में जाता है, तो क्रैब फिशेज कंज्यूम कर रही है, सेलफिश वगैरह, ऑक्टोपस वगैरह सब खा के मर रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हो रही है। बट ये उनकी कोई गलती नहीं थी, बट इनको हमने अपनी स्वार्थ के लिए मार दिया, हमने सबसे बड़ा पाप किया। सेकंड मतलब ये आता है कि अगर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं इन सब चीज़ों से, चाहे ये गले चाहे कुछ होना हो, एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं पहुंचेगा, अपने आप ही गल जाएगी। बायो से मिलकर बनाओ, मतलब नेचुरल से मिलकर बनाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड मतलब ये चीज़ आती है कि अगर ये से मैंने काऊ ने या मैंने खा लिया इसे तो दिक्कत नहीं होगी, अगर मैं इसे खा लेता हूँ तो दिक्कत नहीं होगी, अपने आप ही कुछ टाइम पीरियड का अपने आप हमारे एसिड की वजह से गल जाएगी और हमारे टूथ मॉर्निंग आउटलेट की तरफ निकल जाएगी, सबसे बड़ी दिक्कत शॉर्ट आउट हुआ। दूसरी बात, अगर कोई एनिमल इसे कंज्यूम कर रहा है तो वो भी खाएगा, वो भी अपने वेस्ट में निकाल देगा सुबह, दिक्कत वो उससे भी नहीं होने वाली। सेकंड वन, अगर ये मैरिन वाटर में जाता है, सी बॉडीज़ में जाता है जो उसे फिश वगैरह खाती है, पहली बात तो इतना हार्मफुल होता है कि वो खारा पानी इतना होता है कि वैसे ही गल जाएगा वो, अगर वो गला नहीं बाई चांस उसे किसी भी फिश ने कंज्यूम कर लिया तो दिक्कत नहीं होगी, वो भी खाएगा उसे निकाल देगा वैसे ही वापस अपने वेस्ट के थ्रू। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ सबसे अच्छी मुझे लगी, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को कंज्यूम कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी उसे, कहीं ना कहीं वो डाइजेस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। सबसे मेन चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो इनोवेशन का मुझे यही लगा कि मैं अपने एनवायरनमेंट में बचा ही रहा हूँ, एनिमल्स को बचा रहा हूँ जिनको कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तक हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। बट ठीक है, जो भी अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, कई सारी प्रोसीजर आपको चेंज होने को मिले, तो अभी भी वक्त है अपनी हैबिट को सुधारिए, हेल्प करिए सुधारने में ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके, और ना चाहते हुए हमें वो चीज़ ना स्टेप लेने पड़े जो इन्वायरमेंट को यहाँ तक हार्मफुल पहुँचा दे। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।